ले 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 ले। फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर उसमें खतरा है तो एक छोटी सी गलती के कारण आपकी जान भी जा सकती है। वैसे ही हमारी फील्ड हमेशा खतरों से भरी होती है। हमें आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर अलग अलग प्रजातियों के सांपों का रेस्क्यू करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो सांपों का रेस्क्यू तो करते हैं, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ भी करते हैं, जो एक गलत बात है। ऐसे लोगों के कारण अच्छे काम करने वाले स्नेक रेस्क्यूअर भी खामखा बदनाम हो जाते हैं। दो दिन पहले की बात है, एक स्नेक रेस्क्यूअर एक कोबरा के साथ स्टंट कर रहा था। वह इंसान उस कोबरा को बार बार अपने हाथ में पकड़कर उस कोबरा के फन को पीछे की साइड से किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ यूं, उल्टा उसी कोबरा ने उस आदमी को किस कर लिया, जिसके चलते वह आदमी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। पहले आप उस वीडियो फुटेज को देख लीजिए, फिर मैं उस घटना से आपको रूबरू कराता हूँ। मेले नंदे नंदे नंदे। आपने अभी अभी वीडियो में जिस इंसान को देखा है, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत बड़े स्नेक रेस्क्यूअर हैं। इनका नाम है एलेक्स, जो कर्नाटक के भद्रावती में कार्य करते हैं। इन्होंने अभी तक अपने जीवन में बहुत से एनिमल्स को, जीव जंतुओं को और सांपों को रेस्क्यू करके उन्हें बचाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितना भी बड़ा हो, गलती तो गलती ही होती है। एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर होने के बावजूद इन्होंने एक खतरनाक माने जाने वाले कोबरा के साथ स्टंट करने की गलती की, जिसके चलते अभी ये हॉस्पिटल में भर्ती है और इनका ट्रीटमेंट शुरू है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एलेक्स भाई की बदनामी करना बिल्कुल नहीं है। मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के सभी नए पुराने सभी स्नेक रेस्क्यूअर्स से एक विनती करता हूँ कि भाइयों, प्लीज ऐसे सांपों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम स्नेक इन्फॉर्मेशन के और स्नेक रेस्क्यू के वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। भारत के बहुत से लड़के लड़कियाँ ऐसी है जो हमारे ही यूट्यूब के वीडियो देख देख कर सांपों की इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेते हैं और उन्हें हैंडल करने की और रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम लोग ही ऐसे सांपों के साथ स्टंट करेंगे, सांपों को गलत तरीके से रेस्क्यू करेंगे, हैंडल करेंगे, तो इसका बुरा असर उन लड़कों लड़कियों पर भी गिरेगा, जिसके चलते वह भी इन सांपों को गलत तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इनमें उनकी जान भी चली जाए। एक हिंदी कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर हमारा सर सलामत रहेगा तो हम ऐसे 50 पगड़ी खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम ही जिंदा नहीं बच पाएंगे तो सांपों को क्या खाक बचा पाएंगे। दोस्तों, हम अगर जिंदा बचेंगे तो ही हम सांपों को रेस्क्यू करेंगे और अलग अलग प्राणियों को बचाने का कार्य करेंगे। हमें अपनी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों को भी फिक्र करनी जरूरी है, क्योंकि वो लोग इतना खतरनाक काम होने के बावजूद हमें ये काम करने में सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से हम वचन लेते हैं कि किसी भी सांप के साथ हम स्टंट नहीं करेंगे, बल्कि आज से हम बड़े साफ सुथरे तरीके से सांपों का रेस्क्यू करेंगे, सांपों को रेस्क्यू करके तुरंत जंगल में रिलीज कर देंगे। जय हिंद।